सिद्धार्थनगर जिले में आज आशा बहुओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करके अपनी मांगों को लेकर लोगों को अवगत कराया और प्रशासन को ज्ञापन देकर अपनी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया। दर्जनों की संख्या में इन आशा बहुओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इन आशा बहुओं की प्रमुख मांगे मानदेय व वेतन विसंगतियों को लेकर है, जिसको लेकर सरकार द्वारा इन्हें आश्वासन भी मिला था। ऐसा आशा बहुओं के संगठन की जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी सिंह ने मीडिया के समक्ष रखा। का मामला है कि एक बार अमित शाह जी बोले थे कि हमारी जब आएगी सरकार तो हम अपना आशाओं को और आशा संगिनियों को राज सरकारी घोषित करेंगे। अभी तक वो कान में तेल डार करके सो रहे हैं, इसलिए हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन दे करके ये जता रहे हैं कि डीएम साहब हम लोग के ज्ञापन को मुख्यमंत्री के पास पहुंचा करके उनको एक बार जगा दें, क्योंकि हम लोग का भी कोई अस्तित्व है। निश्चित हम लोग का मानदेय हो जाए, 200, 300, 400, 500 बड़े भाऊ को दो तो उनको दो तो उनको दो, तब भी दो दो साल तीन तीन साल नहीं निकल रहा है। कोई पैसा ऐसा कोई पैसा नहीं पा रही है, जबकि उनको लगभग 5,000-6,000 महीना वो काम करती है, सरकारी काम करती है, सरकार का कोरोना में रात दिन दौड़ी है, लेकिन आशा पैसा नहीं पाई है, कोई आशा नहीं पाई है। केवल संगनी मार पीट करके कैसे पा जाइए, बाकी कोई नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।